भारत और नेपाल के बीच कालापानी और लिपुलेख को लेकर सीमा विवाद जारी है। अब इस मामले में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने नेपाल की सरकार के कदम का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को अपने नक्शे के हिस्से के रूप में दिखाया है। मनीषा ने सोमवार को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली के ट्वीट पर रिप्लाई किया। ट्वीट में देश के आधिकारिक नक्शे में दो विवादित क्षेत्रों को शामिल करने की जानकारी दी गई थी। मनीषा कोइराला ने नेपाली सरकार को धन्यवाद दिया और भारत, नेपाल और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वह सभी तीन महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करती है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने ट्वीट में कहा था कि मंत्रिपरिषद ने अपने 7 प्रांतों, 77 जिलों और 753 स्थानीय प्रशासनिक प्रभावों को देखते हुए देश का एक नया नक्शा प्रकाशित करने का फैसला किया है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आधिकारिक मानचित्र जल्द ही देश का भूमि प्रबंधन मंत्रालय प्रकाशित करेगा। इससे पहले ग्यावली ने 17 मई को ट्वीट कर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा था। भारत ने नेपाल को परीक्षण किट और चिकित्सा रसद प्रदान किया है। जानिए भारत और नेपाल के बीच कहां से शुरू हुई सीमा विवाद। नवंबर 2019 में भारत के गृह मंत्रालय ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें कालापानी क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। इस कदम से नेपाल सरकार नाराज हो गई थी, क्योंकि इस पर नेपाल अपना दावा करता रहा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जो लिपुलेख दर्रे पर खत्म होती है। इसे लेकर नेपाल सरकार ने आपत्ति जताई थी। इस पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। धन्यवाद।